Hello people. So today I'm going to Lewisham. It has a food market जो कि रोड साइड पर बिल्कुल ऐसे लगी रहती है. From food, fruit to a lot of utensils and काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है. Sorry, I'm breathless because मैंने अभी फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ी यहाँ. तो हमारे यहाँ से DLR जाती है जो कि डायरेक्टली Lewisham पहुँचाती है. Lewisham is the last station. So I'm taking that train and I will let you know how this goes. ये बिल्कुल स्टेशन से उतरते ही मार्केट स्टार्ट होती है. एंड थोड़ा सा मुझे इंडिया फील आया बिकॉज यहाँ पे ये स्ट्रीट मार्केट बहुत रेयरली लगती है और बहुत कम एरियाज़ में होती है. देर आर लाइक दीज ओपन स्टॉल्स ऑन वन साइड एंड द अदर साइड हैज़ लॉट्स ऑफ शॉप्स एंड यू नो सम ऑफ द रियली गुड ब्रांड्स एज वेल. आई थिंक दिस इज़ रियली कन्वीनियंट फॉर शॉपिंग बिकॉज यू गेट ऑल थिंग्स एट वन प्लेस एंड सेकेंडली इट्स रियली क्लोज टू द स्टेशन. सो यू जस्ट कम आउटसाइड द Lewisham स्टेशन and the market just starts. And from clothes to vegetables to fruits to grocery, typically everything was available. बहुत सारी रेंज थी, बैग्स थे. मैंने वैसे दूर से प्राइजेस देखे, टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं लगी एंड प्राइजेस भी आई थिंक दे वर नॉट वेरी चीप. बट इन टर्म्स ऑफ फूड मुझे ऐसा लगा कि फ़ूड शायद थोड़ा यहाँ पे कम एक्सपेंसिव है कम्पेयर टू जो भी हम यहाँ पे सुपरमार्केट्स जाते हैं. बट कपड़े, बैग्स, ये सब मुझे उतने खास नहीं लगे. लाइक दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. देयर इज़ ऑल्सो Lewisham शॉपिंग सेंटर विच हाउसेज लाइक अ स्मॉल मॉल विच हाउसेज टू मेनी ब्रांड्स. सो आई एक्सप्लोर्ड दिस अ लिटल बिट एंड आई ऑल्सो वेंट इन साइड एंड शॉप्ड फॉर माई सेल्फ. People, so I've showed you बाहर की मार्केट और अभी अंदर ही Lewisham शॉपिंग सेंटर है जहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही हूँ. यहाँ पर अगेन there is Mount Nand, there is Boots, there is every other brand और कुछ नए shoes on and etc. जहाँ पर काफ़ी सस्ता अच्छा चीज़ें मुझे दिखी. So let me show you. सारे ब्रांड्स हैं बट ऑल्सो बड़ा आई नोटिस कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री आउटलेट टाइप मुझे लग रहे हैं जहाँ पे मतलब खाली सब कुछ पड़ा है जैसे स्ट्रीट शॉपिंग में पड़ा रहता है. यू कैन जस्ट पिक अप वॉट एवर यू लाइक. अभी मैं बूट्स गई थी, मुझे ना टाइट्स खरीदनी है कभी मैं ड्रेस वगैरह कुछ पहनूँ उसके लिए. यहाँ पर लोग बहुत पहनते हैं एंड सर्दियों में भी काफ़ी काम आएगी. सो देयर वाज दिस लेडी, शी टोल्ड मी कि मैं तो प्राइमार्क से खरीदती हूँ, वो काफ़ी सस्ती होती है, हु इज़ एट द बिलिंग काउंटर. एंड आई सेड आई शुड ऑल्सो चेक प्राइमार्क देन एंड प्राइमा के एक और यहाँ पर काफ़ी सस्ता अच्छा ब्रांड है. तो वहाँ जाने से पहले मैं बूट्स चली गई क्योंकि किसी फ्रेंड ने रेकमेंड किया था. तो उसने बोला मैं तुम्हारा बिलिंग होल्ड करके रखूँ क्या, कैन यू गो एंड चेक आउट. आई सेड दैट विल बी ग्रेट. तो उसने कर दिया था पंचन, मुझे खाली टैप करना बाकी था एंड दैट वॉज रियली स्वीट आई फील. एंड अभी आई एम गोइंग टू प्राइमा. शी सेड वो मेरे लिए अलग करके रखेगी इन केस आई डोंट फाइंड इट एट प्राइमा. आई एम जस्ट गोइंग टू गो बैक टू हर एंड शी विल गिव इट टू मी. So I don't waste time in going in searching for it. That was really sweet.
इज़ एक्चुअली राइट, मुझे 5 पेयर यहाँ पे 3.5 pounds में मिले और वहाँ पे मुझे 2 or 3 पेयर्स मिल रहे थे 6 pounds में, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव. तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग रही था वहाँ पे, प्रणव पे काफ़ी सेल चल रही थी. लाइक देयर वर लॉट ऑफ टॉप्स, आई शो यू द वंस दैट आई ट्राइड, विच वर ऑन सेल इन लाइक 2 pounds, 5 pounds. सो इट इज़ प्रीटी डिसेंट एंड आई थिंक आई डेफिनेटली इन्जॉयड दिस वन, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ आई हूँ पर मुझे कभी इतने सही प्राइस पे चीज़ें दिखी नहीं थी. तो अभी आराम से एंड बिकॉज इट वॉज नॉट दैट क्राउडेड, इट वॉज फन. के 6 बजे हैं एंड ये जो स्टॉल्स बाहर लगे हुए थे वो सारे अभी हट रहे हैं, मोस्टली हट गया है सब कुछ. सो आई डोंट नो अगर इसका टाइम यही है या आज ही जल्दी क्लोज हुआ है, बट लकीली मैं थोड़े से वेजिटेबल्स ले पाई. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यहाँ पर काफ़ी सस्ते होते हैं कंपेरेटिवली बाकी जगह से, बट अगेन आपको क्वान्टिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है थोड़ी. तो अगर आप 1-2 चीज़ ऐसे लोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हियर मैंने जितना देखा है इट इज़ अ बोल सिस्टम, पूरा एक बोल 1 pound का मिल रहा होता है जिसके अंदर अबाउट 7-8 कैप्सिकम हो जाती है. एंड अगर आप इसको कंपेयर करो आज राजो की, यहाँ पर बहुत बड़ा ह्यूज सुपर मार्केट चेन है एंड इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव. वहाँ पर आपको कैप्सिकम 3 मिलती है 1.5 pound की, कभी कभी 1 pound की भी मिल जाती है, बट 3. सो यहाँ क्वान्टिटी ज़्यादा मिलती है एंड क्वालिटी ऐसी रहती है कि आप बहुत टाइम तक नहीं रख सकते, मतलब आपको यूज़ करना होगा विद इन लाइक 4-5 days. क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी जब यहाँ से कुछ फ्रूट्स लेकर गई थी कंपेयर्ड टू एस्ट्रा के प्रोडक्ट्स, वो थोड़ा जल्दी जैसे फ्रूट्स ख़राब होने लग गए थे, ग्रेप्स हमें जल्दी जल्दी खाने पड़े थे. सो थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़. मैं इस शॉपिंग सेंटर में जा रही हूँ पाउंड लैंड, वहाँ से मुझे थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी है. जब मैंने आपको ग्लासगो में पाउंड लैंड दिखाया था तो बिकॉज ऑफ यू नो ट्रैवल एंड हमें फ़्लाइट से आना था तो हम ज़्यादा सामान नहीं ला सकते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं ला पाए. तो अब जब मैं यहाँ पर जा रही हूँ और मुझे यहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी, डीआर मिल जाएगी, और अगर मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है बट आई थिंक मैं उठा सकती हूँ अभी थोड़ा और. आज की शॉपिंग ख़त्म, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. आई एम सुपर सुपर टायर्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू डू लाइक माई कंटेंट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको पता चले मेरे नए वीडियोज़ आ रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय.